हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक पुरानी जैकेट का रियूज। देखिए, एक पुरानी जैकेट है और इसमें से हम कितना सारा सामान बनाकर तैयार कर सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे आइडियाज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपके पास जैकेट नहीं है तो स्वेटर जर्सी जो होते हैं, फुल बाजू या हाफ बाजू, स्टॉल वगैरह, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसकी छोटी छोटी चीज कतरन का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ना इसकी हम बाजुओं को फेंकेंगे, ना ही इसकी कैप और ना ही जो नीचे वाला बॉर्डर है उसको फेंकेंगे। ये देखिए, बाजुओं को साइड में रखते हैं और कैप को। अब हमने ये पीस कट करके तैयार कर लिया है। अब पैर को रखना है और पैर के हिसाब से हमें एक एक इंच एक्स्ट्रा रखना है कपड़े को, और इधर तक कपड़े को कट कर लेना है। तो ये जो हमने एक एक इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये मार्जिन के लिए लिया है और ये दो पीस हैं। बाकी कपड़े को साइड में रखते हैं, इसका यूज हम बाद में करेंगे। अब इसके बराबर हमें दो पीस और चाहिए कपड़े के। चाहे आप किसी भी कॉटन कपड़ा ले लीजिए या कोई पुरानी टॉवल हो उसमें से भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास ना एक हैंड टॉवल था छोटे वाला, उसमें से मैंने दो पीस कट कर लिए और जो एक्स्ट्रा है उसे भी हम कट करके अलग निकाल देंगे। उसके बाद हमें सिलाई लगानी है चारों साइड, और बीच में भी हमें खाने बनाकर तैयार कर लेने हैं। दोनों पीस हम रेडी कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब मैंने दोनों पैर की शेप के हिसाब से गत्ते के पीस कट किए हैं इस तरह से। आप या तो सैंडल चप्पल रखकर भी कर सकते हैं या फिर पैर को रखकर भी कर सकते हैं। तो मैंने तो पैर को रखने के बाद किया है, और उसके बाद इस कपड़े के ऊपर रखना है गत्ते के पीस को, और हाफ इंच हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है और मार्क कर देना है दोनों के ऊपर, और फिर उसके बाद इसे कट कर लेना है। तो जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा, वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो दोनों पीस हमने कट करके रेडी कर लिए हैं इस तरह से। ये हो गए हमारे दो पीस। अब हमें कपड़े का जो बाकी पीस बचा था वो डबल ऐसे ही रखना है, और इसको हमें करना है फोल्ड। और जो ऊपर वाला पार्ट है ना, पंजे वाली साइड है जो, वो हमें इस तरह से रखनी है, और दोनों साइड हमें कपड़ा रखना है 1.2। अगर पैर ज़्यादा मोटा है आपका तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर की साइड से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। मतलब कि नीचे वाली साइड से ही हमें दोनों तरफ से लेना है 1.2 इंच, और इसे ऊपर तक हमें मिला देना है। तो ऊपर वाली साइड तो हमने बिल्कुल उसके बराबर ही लिया है कपड़ा, और नीचे वाली साइड से हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब इसे कट कर लेंगे, तो ये दो पीस हमें कट कर लेने हैं। अब इसी के हिसाब से हमें टॉवल का कपड़ा लेना है और उसको कट कर लेना है इसके साथ रखकर, और फिर दोनों को हम सील कर तैयार कर लेंगे। तो मैंने टॉवल लिया, आप कोई भी कॉटन कपड़ा ले लीजिए, बेड शीट ले लीजिए या फिर जीन्स का कपड़ा भी ले सकते हैं। ये दोनों पीस हमारे तैयार हो गए सीलने के बाद में। अब हमें पाइपिंग को लगाना है, तो पाइपिंग हमें इधर की साइड लगानी है। हाफ इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और इस तरह से ना फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगा देनी है। तो दोनों पीस हम इस तरह से पाइपिंग के साथ सील कर तैयार कर लेंगे। ये हो गए हमारे दोनों पीस। अब इसे फोल्ड करना है और बीचों बीच इसके हमें निशान लगा लेना है। कट नहीं लगाना है, निशान ही लगाना है ताकि हमें सेंटर पता चल जाए। अब इसके ऊपर रखना है। अब देखिए, इसको भी हमें बीच में से फोल्ड करना है और बीचों बीच हमें इसके ऊपर भी निशान लगा लेना है। अब हमें इस तरह से सीलना है, इसे रखना है निशान को निशान के ऊपर, और इधर सिलाई लगा देनी है 2-3 बार। देखिए, मैं रखने वाली हूँ अंदर जो हमारी जैकेट वाला कपड़ा है अंदर की साइड। ये देखिए, हमने दोनों पीस सील कर तैयार कर लिए हैं। अब हमें कपड़े को इस तरह से पकड़ते हुए और यहाँ पर हमें एक मार्क कर देना, और इसी तरह से दूसरी वाली साइड, इधर की साइड। अब जो बाकी कपड़ा हमारा बचा है, नीचे वाला पार्ट है जो एड़ी वाला, उसे हमें इंच टेप से नापना है। मतलब कि उसकी लेंथ कितनी है उतना ही हमें पीछे वाले पार्ट के लिए कपड़ा चाहिए। तो ये देखिए, ये 11.2। 1 इंच हमें सिलाई के लिए लेना है, क्योंकि दोनों साइड हाफ हाफ इंच सिलाई के लिए चला जाएगा। तो इसकी लेंथ में आपको दिखाती हूँ, 12.2 होगी। ये देखिए, 12.2। और जो इसकी चौड़ाई है वो लिए है हमने 2.5 इंच, 2.5 इंच। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर भी हमें पाइपिंग को लगाना है। तो एक साइड ही हमें पाइपिंग लगानी है, दूसरी साइड नहीं लगानी है। इस तरह से कपड़े को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है। अब हमें पट्टी के साथ इसे सीलना है। तो जो पाइपिंग वाला पार्ट है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे और इधर सिलाई लगा देंगे। मतलब कि जो सिलाई वाला पार्ट है वो रखेंगे हम बाहर वाली साइड, इधर भी सिलाई लगा देंगे, और इसे पकड़ते हुए हमें अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना, और एक सिलाई पूरे पर हमें लगाकर तैयार कर देनी है। इधर से सीलते हुए इसी तरह से दूसरे वाला पार्ट।
अब जो बॉर्डर वाला पार्ट था वो हम लगाने वाले हैं पाइपिंग। तो इस तरह से सी लेंगे पूरे के ऊपर, उसके बाद हाफ इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई वाला कपड़ा दबाते हुए हमें पूरे के ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये हमने उल्टी साइड से सीला और सीधी साइड की तरफ फोल्ड किया है। तो ये हमारे प्यारे से जूते बनकर तैयार हो जाएंगे, बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आप एक बार बनाकर देखते हैं ना तो यकीन मानिए कि आप मार्केट से लाना भूल जाओगे। अब सर्दियों में हम पूरे दिन भर घर में ऐसे ही घूमते रहते हैं नंगे पैर, तो सर्दी लगने का बहुत ही डर रहता है। तो इस तरह से आप अपने लिए भी बना सकते हैं और अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। अंदर से काफी गर्म भी रहने वाले हैं क्योंकि जैकेट का कपड़ा है और बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। तो इस तरह से आप भी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बाजू वाला एरिया। तो पहले बाजुओं को जो बॉर्डर वाली साइड है ना, तो उधर से बॉर्डर को कट करके हमें अलग कर देना है। अब चाहे तो इसकी सिलाई खोल सकते हैं या फिर सिलाई वाली साइड से हमें कट करके इसे सिंगल पीस करना है। तो दोनों पीस हम कट करके इस तरह से रखना है, दोनों पीस इस तरह से रखने हैं। और हमें चौकोर पीस चाहिए, तो जो कॉर्नर निकले हुए हैं ना एक्स्ट्रा कपड़ा इधर उधर, उसे कट करके पहले हमें अलग कर देना है इस तरह से। उसके बाद पैर को रखना है, और पैर को रखने के बाद ना हमें कपड़े को, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ फोल्ड करके, इस तरह से आप लगा कर देख लीजिए। ऊपर वाली साइड से भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए और नीचे वाली साइड से भी, और जो इधर की साइड से है वो भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि हमें इस तरह से फोल्ड करना है, तो उसके अलावा हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये हमारे 2 पीस कट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग निकाल देना है, और जो कॉर्नर निकले हुए हैं उन्हें भी हम बराबर कर लेंगे। ये हो गए 2 पीस। इसके लिए हमें कोई इनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोल्ड करना है और जिधर से इसकी ओपन साइड है उधर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है, और इधर लगानी है हमें सिलाई। तो दोनों पीस को हमें इस तरह से सीलना है। पहले मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको, इधर से सिलाई लगानी है और इसी तरह से इसके ऊपर भी हमें निशान लगाना है 5 इंच पर, जिधर से हमारी ओपन साइड है कपड़े की उधर की साइड से, और हाफ इंच कपड़ा रखना है सिलाई के लिए और पूरे को सील देना है। मैं इसके ऊपर सुई धागे से सिलाई लगाने वाली हूँ क्योंकि इसका कपड़ा ना थोड़ा खिंचने वाला होता है, तो जैसे ही हम मशीन से सिलाई लगाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए मैंने इस तरह से फोल्ड किया और इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी मैं अंदर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए। इसी तरह से हमें पूरे पार्ट को सीलना है इधर की साइड से भी। ये देखिए दोनों पीस हमने सील कर तैयार कर लिए हैं। अब इसके अंदर हमें पैर को रख कर देखना है कि ये फिट बैठता है, ज्यादा तो नहीं है कपड़ा, तो मैं दिखाती हूँ आपको लगाकर। और अंगूठे वाली साइड से हमें निशान लगाना है, हमें मतलब कि इस तरह से शेप बनानी है इसकी अंगूठे से लेकर उंगली तक, और इसी तरह से दूसरे वाले पीस के ऊपर भी हमें निशान लगा लेना है, और इधर तक हमें कपड़े को कट कर लेना है। उसके बाद इधर सिलाई लगा लेनी है दोनों के ऊपर। तो ये शेप हमें ना पैर रखने के बाद ही लगानी है। दोनों साइड से सीलने के बाद इधर से पकड़ना है, और ये है हमारी एड़ी वाली साइड। इधर की साइड हमें हल्की सी गोलाई देनी है, मतलब कि 1 इंच की तो जरूरी है गोलाई देना, क्योंकि ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा होता है ना वो फिर ना अलग से दिखता है, तो इसलिए फिटिंग बिठाने के लिए 1 इंच की गोलाई जरूरी देनी है। और इधर तक कट कर लेंगे हम कपड़े को, फिर उसके बाद सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारे प्यारे से सॉक्स बनकर तैयार हो जाएंगे, बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, घर में पूरे दिन भर पहन कर रख सकते हैं आप। तो इस तरह से ना 2 से 3 बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ, एकदम से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए दोनों पीस हमारे अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आइडिया। तो जो हमने कैप कट करके अलग निकाली थी ना, तो उसको भी हम कहाँ छोड़ने वाले हैं, इसमें से बनाने वाले हैं हम बच्चे के लिए कैप। इसमें से हम 2 तरह से कैप बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ही आइडिया बताने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी। तो ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया कॉलर वाली साइड से, अब हमें इसे फोल्ड करना है और ऊपर वाली साइड से हमें एक निशान लगाना है। ये निशान आप बच्चे के कान से लेकर ऊपर सिर के ऊपर लेते हुए इंच टेप को दूसरे कान तक, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, और इधर तक हमें लाइन को सीधी खींच लेना है इस तरह से। ये देखिए ऊपर वाली साइड से हमें निशान लगाना है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट करके हमें अलग कर देना है।
और इसमें से हमें जो इसके लिए पट्टी सीलनी पड़ेगी ना बांधने के लिए, उसके लिए हमें 2.5 इंच लेना है और पूरे को कट करके अलग कर देना है। तो ये हमारी डोरी बांधने वाली हो जाएगी, इसे रखते हैं साइड में। अब हमें देखिए इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हुए इधर की साइड बीचों बीच हमें एक मार्क लगाना है ताकि हमें पता चल जाए इसका सेंटर। उसके बाद जो हमने पट्टी कट की है ना उसे भी हमें बीच में से फोल्ड करना है और निशान लगाना है। लेकिन इसमें बीचों बीच में ना एक सिलाई है तो उससे हमें पता भी चल जाएगा। ये देखिए अब इसके ऊपर रखना है जो हमने मार्क लगाया है निशान इधर की साइड, और दो प्लेट तो बनानी है हमें इधर की साइड, और दो प्लेट्स हमें इधर की साइड डालनी है। बाकी कपड़ा हमें इसी तरह से सील देना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो हमारा बांधने के काम आ जाएगा। ये देखिए चार प्लेट्स हो गई और ये हमारी फ्रंट वाली साइड होगी और ये हमारी बैक साइड है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना हमें हाफ इंच और एक बार इधर की साइड से, और इसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देनी है पूरे पर, और ये वाली सिलाई हमें दबाते हुए इस तरह से। तो ये हमारी एक प्यारी सी कैप बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो बड़े साइज की भी बना सकते थे क्योंकि कैप काफी बड़ी थी, तो एक ही जैकेट में से देखिए हमने कितनी प्यारी सी कैप भी बनाकर तैयार कर ली बच्चे के लिए। बहुत ही आरामदायक होती है, गर्म रहती है, तो इस तरह से ना आप जैकेट स्वेटर जर्सी में से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई पुरानी जैकेट और स्वेटर है और आप उसमें से क्या बनाने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो में मैंने आपको एक जैकेट से तीन आइडियाज बताए हैं, आपको कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।